अक्सर रेलवे स्टेशन से ऐसी कई खबरें आती रहती हैं जहां जल्दबाजी में यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और वे ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी यात्री ये गलती दोहराने में बाज नहीं आती। दरअसल ऐसी ही एक घटना रांची रेलवे स्टेशन से सामने आई है, जहां एक लड़की चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और वह ट्रेन के नीचे गिर गई। लेकिन गनीमत रहा कि उस हादसे में लड़की की जान बच गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, यूं कहें कि ईश्वर की कृपा है जो किसी बड़ी दुर्घटना से बच गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि किस तरह यह लड़की चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी और उसका पांव फिसला, वह ट्रेन के नीचे जा गिरी। दरअसल धनबाद से खुलने वाली ट्रेन धनबाद अलेप्पी ट्रेन संख्या 13351 रांची स्टेशन पहुंची और यह ट्रेन जब रांची से खुलने वाली थी तब चलती ट्रेन में लड़की जब चढ़ने की कोशिश करती है उसका पैर नीचे फिसल जाता है, लेकिन फिर भी वह बच के निकल जाती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस घटना में आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत उस लड़की को बाहर निकाला। आरपीएफ के मुताबिक जिस लड़की की जान बचाई गई उसका नाम मोनिका कुमारी है। वह ट्रेन संख्या 13351 से तमिलनाडु जाने के लिए रांची आई थी। इस दुर्घटना में उसके पैर में हल्की खरोंच आई है। रेलवे के डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को स्वस्थ घोषित कर दिया। लड़की जिसका जिक्र हो रहा है अभी बार बार, वो लड़की अभी बहुत अच्छी है, सही सलामत भी है और अपने परिजन के यहाँ है। कल ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक आदेश है मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री पवन कुमार जी का, एवं निर्देश दिया है हमारे सर ने, पोस्ट कमांडर श्री दिगंज शर्मा सर ने, कि जितनी भी ट्रेन यहाँ से आना जाने करती है सब में स्पेशल ड्राइव चला। तो स्पेशल ड्राइव के दौरान हम लोगों ने कल जब एलएपी में ड्राइव किया तो उसी दौरान देखे कि जैसे ट्रेन खुल रही थी एक महिला चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास है और उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म के गैप के नीचे गिर जाती है। तो सभी को तो ये लगा कि चूँकि ट्रेन है जाएगी, रन ओवर हो जाता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जो भी मौजूद था आरपीएफ कर्मी उसने तत्परता दिखाई और तुरंत ट्रेन को रुकवा दिया। तो चूँकि ट्रेन जैसे ही 10 मीटर 5 मीटर आगे बढ़ी ट्रेन रुक गई, तो ऐसे में ये हुआ कि हो सकता है कि उसके साथ क्या हादसा है, लेकिन उसको जब निकालने का प्रयास किया तो वो देखा कि नहीं, लड़की तो जिंदा है और बात भी कर रही है, पर आने से ऊपर डर रही कि ट्रेन न चली जाए। उसको आश्वस्त किया गया कि नहीं, ट्रेन नहीं चलेगी, आप ऊपर आइए। वहाँ पर जो महिला कर्मी सुरक्षा कर्मी थे सारे लोगों को ऊपर लाए और एक चमत्कार कहिए, एक आश्चर्य की बात है कि उसको एक खरोंच तक नहीं लगी। वही होता है ना कि जिसे भगवान बचाने वाला उसे कुछ नहीं होने वाला। और तुरंत फिर उसके बाद पोस्ट कमांडर दिनेंद्र शर्मा साहब को सूचना दी गई, उन्होंने कहा नहीं, इसके तत्काल हो सकता है कोई इंटरनल इंजरी ना हो, उसको तत्काल जो है मेडिकल के लिए हम लोगों ने हेल्थ यूनिट रांची भेजा और वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि चूँकि वो बहुत सदमे में है, डरी है, बीपी थोड़ा बढ़ा, अदरवाइज एकदम नॉर्मल है। फिर उनके गार्जियन को भी सूचना दी गई, उनके गार्जियन एक घंटे घंटे बाद आए और उन्होंने आरपीएफ को धन्यवाद ज्ञापित किया कि बहुत अच्छा काम किया कि उनकी बेटी आज अलाइव है और बहुत अच्छे से उनके साथ वो फिर बात बात करके उनके अपने घर चली गई। और हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि हम लोग किसी को जीवन दे पाएँ, क्योंकि इससे बड़ा तोहफा किसी के लिए नहीं होता है। और एक बात और है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक अपील ज़रूर करेंगे कि जो भी रेलवे यात्री आते हैं वो समय से आएँ, समय से गाड़ी में बैठ जाएं और कभी भी चलती हुई गाड़ी में ना तो चढ़ने का प्रयास करें और ना तो चलती हुई गाड़ी से उतरने का प्रयास करें, क्योंकि उनको गंभीर चोट लग सकती है, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसे बचना है तो आप समय से आइए और जो भी नियम कानून है उसका पालन करिए और सुरक्षित रहिए और सुरक्षित यात्रा करिए।